हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइंस फॉर साइंस के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शशि और अभी सीरीज चला रहा हूं मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जो अभी 10 जनवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो फाइनल गियर लगा दीजिए और आज का जो टेस्ट है मेरा ये है पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी मीन्स संविधान से रिलेटेड, संविधान में क्या क्या कहाँ है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर ये टेस्ट है। इसको पूरा जरूर देखें, पूरा देखें और मेमोराइज करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा ये टेस्ट बनाया हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो पसंद तो आना ही चाहिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर लगाए वीडियो पे बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला पहला क्वेश्चन यह है, इंडियन पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब देखिए, निम्न में से कौन सी मद भारत के समवर्ती सूची में आती है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखत निधि? तो इसका आंसर है कि समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तीन होती हैं सूचियां, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में केंद्र कानून बनाता है, राज्य में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती में दोनों कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में डालते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। इन संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था ना तो एक सभा बनी थी उस टाइम पे, उसका क्वेश्चन है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यह बहुतलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए केवल एक समिति थी। तो इसका आंसर है केवल ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां गठित थीं। तो यह भी गलत है, यह बहुतली निकाय नहीं था, यह प्रत्यक्ष मतदान नहीं था। तो इसका आंसर होया ए। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन पर संविधान में शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1974 में आपातकाल के दौरान लाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य, अब जब अपना मौल जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है यानी। तो इसका ये बताइए, तो स्वर्ण सिंह समिति, टीएन सेशन समिति, वीरप्पा मोइली समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन पर आधारित संविधान में इसको शामिल किया गया था 1974 में, उस टाइम आपातकाल चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन से मताधिकार की उम्र 21 से 18 की गई? 61वें, 65वें, 99वें या 100वें? तो देखिए, 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में लागू किया गया था, इससे मतदान की जो उम्र थी वो 21 से 18 हो गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 326, 353 या 100वां? तो इसका आंसर है 352वें से राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है और 360 से वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, 365 से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर केंद्र की बातों को राज्य मानना बंद कर दे तो उसको 365 के द्वारा लागू किया जाता है और उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 365 360। हाँ, देखिए नया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया ना कि राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो यह है 365वें। ठीक है, 365वें के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले लाइक कर दीजिए। संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा है? संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, 51वां, 51A, 49वां, 48वां, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है ये 51A या 51क में है। आपातकाल के समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो इसमें मौलिक कर्तव्य 51वां ए में है।
नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां, 49वां, 48वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में लाया गया था, और नगर पालिकाओं को भी दिया गया संविधानिक संशोधन 74वां था, वो भी 1992 में लाया गया था। तो आप इन दोनों को याद रखिए, 73वां पंचायत ग्राम पंचायत और 74वां नगर पालिका कब लाया गया था? 1992 में। किसकी गवर्नमेंट थी? नरसिम्हा राव की। इंडियन संविधान संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए अपना जो संविधान है उसमें कोई संशोधन लाना हो तो उसका भी प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 368, 365, 165 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो संविधान का संशोधन करने के लिए अनुच्छेद है, इसमें जो बातें कही गई है वो 368वां है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है संविधान संघ के? 155, 365, 165। तो इसका आंसर है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, और राष्ट्रपति इसी के आधार पर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख संविधान में किस अनुसूची में है? संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां, आप लोगों का आइडिया है, तो यही पूछ रहा है कि किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन समझिए, पोला के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 11 या अनुसूची 9? तो देखिए, जो किसी भी टोटल 9 लोगों का वेतन के बारे में संविधान के अनुसूची 2 में लिखा गया है, टोटल 9 लोगों के बारे में, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दूसरी अनुसूची है, ये तो याद हो गया, उसमें किसके किसके बारे में, किसका किसका वेतन के बारे में लिखा है ये मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति के वेतन के साथ 8 और लोगों के वेतन के बारे में उल्लेख है। राज्यों के राज्यपाल पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा और परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन और भत्तों के बारे में संविधान के अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया है। तो ये आप जरूर याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वो किस अनुसूची में रखी गई है? तो वो अनुसूची है 8वीं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। जब संविधान बना था तो 14 भाषाओं को मान्यता थी, कितने? जब मूल रूप से संविधान 1950 में लागू हुआ था तो 14, टोटल 14 भाषाओं को मान्यता थी, लेकिन अभी टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो अभी टोटल भाषाएं हो गई हैं 22। कितने भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। चलिए, अभी टोटल 22 भाषाएं हैं, और किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसे आपातकाल मान लो देश में लग गया तो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, तो वो किस संविधान से अपने संविधान में लाया गया था, किस देश के संविधान से? ये क्वेश्चन ये है, तो बताइए, जर्मनी के वाइमर संविधान, कनाडा के संविधान, आयरलैंड के संविधान या ब्रिटेन के संविधान? तो इसका आंसर है जर्मनी का वाइमर संविधान। किससे लाया गया था? जर्मनी के वाइमर संविधान से मूल अधिकारों का स्थगन अपने संविधान में लाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो ना विधि द्वारा, जब संविधान पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? बताइए, जापान, कनाडा, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो इसका आंसर है जापान के संविधान से लिया गया है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, पूरे जोर से लगे रहिए, इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है। पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।